हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का। लेकिन आज जो हो रहा है मेरे साथ और जो लोग मेरे खिलाफ उंगली उठा रहे हैं, मेरे को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ चीज़ आप लोगों के सामने मतलब पॉइंट रखूँगा, ठीक है, आप लोग समझना उस बातों को। मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है, पहली बात तो। और बहुत लोग स्ट्रीम में आके मुझे गाली देते हैं, मैं कभी किसी का मतलब उनका रिप्लाई गाली के तौर से मैं कभी देता ही नहीं हूँ। आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मेरे स्ट्रीम में जाके देख सकते हो, मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिया गाली का कि क्यों गाली दिया भाई, और क्यों मतलब उस चीज़ को मैं इग्नोर कर देता हूँ। और जो मुझे गाली देता है तो मैं उसको कभी देखता भी नहीं हूँ। जब मेरे माँ बहन के ऊपर गाली पड़ता है तो अगर आपके किसी माँ बहन के ऊपर गाली पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा बताओ मुझे। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माँ बहन उठा के गाली देते हैं, भाई क्यों मतलब मैंने क्या बिगाड़ा है आपका बता दो। मैंने आपको कभी गाली दिया? ना कभी मैंने आपसे मतलब कुछ बोला कि तुम ऐसे हो, ना मैंने कभी आपको कहीं से भी आपको गलत मतलब आपको बोला मैंने। जितने भी लोग गाली देते हो यार, क्यों मतलब किस लिए? मैं आप लोगों को कुछ गलत किया आप लोगों के सामने? ना आप लोगों को कुछ गलत मतलब कर रहा हूँ मैं? आज इतना दिन से मैं YouTube चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, कभी भी इतना गाली नहीं पड़ा जो आजकल आप लोग दे रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखो। एंड ये स्क्रीनशॉट कहाँ से मिला, किसके वीडियो से मिला वो भी बता देता हूँ। देखो अभी जो यूट्यूबर्स के जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैं उसका लफड़े में नहीं आना चाहता, बस मैं उस लफड़े से दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा बात वही है। क्योंकि मैं यूट्यूब चलाने आया हूँ, झगड़ा करने या किसी को नीचे ऊपर दिखाने नहीं आया हूँ, बस मेरे सब्सक्राइबर के साथ मैं मिलकर रहूँगा, बस इतना ही चाहता हूँ। आज जो हो रहा है, जो एक दूसरे की माँ बहन कर रहे हैं यूट्यूब में, कभी ये गाली दे रहा है, कभी इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा है, कभी उसके ऊपर वो वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो चीज़ क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पे या तो मिस्टेक हुआ है, नहीं तो कोई बंदा तो गलत कर रहा है, कोई ना कोई तो गलत कर रहा है जो हम उस चीज़ को देख नहीं पा रहे, ठीक है, कोई ना कोई तो गलत कर ही रहा है, लेकिन वो कौन गलत कर रहा है और कैसे कर रहा है हमें पता नहीं। और रही बात ये जो यूट्यूबर्स के बीच में चल रहा है, इसमें मैं सीधा बता दूँ, IGL ने भी कंपनी टैब पे डाला था जिसमें उसके ही बंदे लोग ने मतलब मुझे गाली दी, पता नहीं क्यों, और ना ही मैंने IGL का कभी नाम लिया है, बस मैंने MJ स्नाइपर का वीडियो में जाके मैंने कमेंट ये किया था कि जिसके कारण मेरे वीडियो पे स्ट्राइक पड़ा है, अगर वो पता चल गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बस इतना ही बोला था। उसके बाद मैंने बोला था भाई मतलब आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, मैं इतना ही बोला, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि मैं IGL के खिलाफ बात किया, ये किया, और मैंने उसके चैनल का भी जो उसका वीडियो है उसको भी मैंने कंपनी टैब में डाला था, ठीक है। कंपनी टैब में क्यों डाला था, मुझे अच्छा लगा उस बंदे का बात, उसने क्या क्या बोला मुझे वो अच्छा लगा। IGL के खिलाफ बोले या दूसरे के खिलाफ बोले वो मुझे कुछ पता नहीं, अभी IGL ने गलत किया सही किया उसको ही पता होगा। अगर IGL को जो करना चाहता है वो करने दो, जब जनता अपने आप पता चलेगा कि कौन गलत कर रहा है, कौन गलत है, तो वो अपने आप सबके सामने आ जाएगा, ठीक है। हम जितना भी साबित करना चाहे, IGL को जो सही मानता है वो सही मानते रहेंगे, ठीक है। अभी जो IGL के जो बंदे लोग मुझे आके गाली दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो मैं IGL को सीधा बता देना चाहता हूँ, अगर हो सके तो सामने मेरे से बात करो, तुम्हारे ये जो पालतू कुत्ते हैं ना उनसे बात मत करवाओ, सीधा मेरे से बात करो। ये पालतू कुत्ते से मैं मतलब ये तो फंस जाएंगे बेकार में, और तुम तो फंसोगे ये भी फंस जाएंगे, तो ये चीज़ से मैं दूर रहना चाहता हूँ। इन लोगों को समझा दो, अगली बार अगर कुछ भी बोलना है ना तो सामने आके बोलने के लिए बोलो, पीठ पीछे जो कुछ करते रहे हो तो ना, ये मतलब ये एकदम गिदड़ वाला काम होता है, तो वो मत करो, वो गलत है। करना है ना मेरे सामने आके करो, जो बोलना है मेरे सामने से बोलो। और अगर अगली बार माँ बहन किया तो मैं वो क्या करूँगा ना, उसके 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 ऊपर वाला करूँगा जो आप लोग समझ नहीं पाओगे। इस चीज़ों से मुझे दूर रहना है। मैं अगर उंगली कर दिए तुम लोग है ना, तो मैं तुम लोग उंगली करोगे मैं सीधा हाथ घुसा दूंगा, तो वो कैसा होगा पता भी नहीं चलेगा, हाथ घुसा के बाहर भी निकाल दूंगा पता भी नहीं चलेगा, तो वो चीज़ मेरे से मत करो। एंड IGL को सीधा बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ बोलना है मुझे आके सीधा बोलो,
तुम्हारे जो ये टट्टे है ना, जो कुत्ते पालतू है ना, जो पानी पी रखा है तुम्हारा, उनसे मेरे साथ बात मत कराओ, ठीक है? ऐसे तुच्छे लोग से मैं बात नहीं करता। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो सीधा बात कर लो, जो बोलना है मुझे सीधा बोलो। ये तुम्हारे कमेंट कम्युनिटी में जो डाल के तुमने उन लोग को जो तुमने बताया, या उन लोग के मतलब उन लोग को क्या लगा तुम्हें, और वो जो मेरे ऊपर ऐसे उंगली उठा रहे हैं, मैं अगर MJ स्नाइपर के स्ट्रीम में वीडियो में जाके बोलूँ, वो मेरी मर्ज़ी है यार। मैं उसके वीडियो में जाके कमेंट करूँ ना करूँ, वो मेरी मर्ज़ी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना, तुम तो थोड़ी ना कर रहे हो। तो तुम्हारे जो टट्टे हैं ना, जो उन लोगों को मतलब क्या खुजली हो रही है, बताओ? मैंने अभी तक किसी को गाली नहीं दिया, ठीक है? और मुझे ये मन नहीं कि किसी के साथ लफड़ा करूँ, ठीक है? सब लोग तुम्हारे खिलाफ़ गलत बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं से तुम्हें गलत किया होगा, शायद गलत किया होगा, इसलिए तो तुम्हारे गलत बोल रहे हैं ना। तो ना कोई यार एक बंदा अगर बोलता तो वो गलत अलग बात था, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ़ बोल रहे हैं। तो यार तुमने तो सही में कुछ किया होगा जिसके कारण सब लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं ना। तुम्हारा तो ऐसा भी नहीं कि मिलियंस ऑफ मिलियंस सब्सक्राइबर है जो तुम्हें डाउन करना चाहते, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे दो चैनल है, उसमें तुमने पैसा कमा नहीं पाए, और एक चैनल कमाया और एक चैनल खोला, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार। तुम जो जो एक खोलो, दो खोलो, 1,000 खोलो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और तुम मतलब एक टीचर हो के ऐसे गंदे गंदे चीज़ों को मतलब बढ़ावे देते हो, कैसे? मतलब क्यों? मैं तो वही पूछूंगा तुमसे, मतलब तुम इतने अच्छे टीचर हो के जो लोगों को जो बढ़ावे देते हो, तुम उनको कहते हो या मतलब वो खुद करते हैं? मैंने तो आज तक मेरे कोई भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, कभी तो मैं कभी बोलूँगा ही नहीं। और उस दिन भी मैंने स्ट्रीम में बताया था, गलत का साथ मत देना, हो सके तो उसके साथ ही मत देना जो गलत काम कर रहा है, हो सके तो छोड़ देना, नहीं तो सच्चाई के साथ में ही देना, ठीक है? मैंने ऐसा बोला था। लेकिन तुम्हारे जो ये जो पालतू कुत्ते हैं ना, जो तुम्हारे पानी पी रखा है, जो भी किया है तुमने उन लोग के लिए, जो भी किया होगा वो अभी वो लोग मतलब वो लोग तुम्हें वापस दे रहे हैं। तो बता दूँ, आइजल आइजल की तो पता नहीं, लेकिन आइजल से पहले तुम लोगों की फटेगी, बता रहा हूँ। आइजल की तो बात छोड़ो, आइजल की मेरे से कोई मतलब लफड़ा ही नहीं है। पहले तुम्हें बता देता हूँ, जो लोग मतलब आइजल के मतलब साथ खड़े होके मुझे गाली दे रहे हो ना, बता रहा हूँ मैंने इस मैटर पे हाथ नहीं रखा। अगर हाथ रख दिया तो पता नहीं चलेगा क्या कर दूंगा मैं। तो यूट्यूब यूट्यूब को छोड़ो, बाहर में जाने दो यूट्यूब, पहले जो रियलिटी में होगा ना वो बता रहा हूँ। यूट्यूब तो बात की बात है, जो रियलिटी में हो रहा है वो बता रहा हूँ। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्यों पता है? मैंने किसी के बारे में मैं कुछ बोला नहीं जिसके कारण मेरे नाम आए, तो फिर मेरा नाम आया, ठीक है? और बंदा का भी नाम आया, तो उनका नाम मैं नहीं लूँगा। स्ट्रीम में भी आके गाली दे रहे हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रीम में जो गाली दे रहे हो, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। IGL ने कम्युनिटी टैब डाला, जिसमें कम्युनिटी टैब में नीचे जाके बंदे ने कमेंट लिखा, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देख लो, प्रूफ भी है, बिना प्रूफ के बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके ऊपर IGL का भी रिएक्ट बड़ा अच्छा रहा, ठीक है? IGL ने डिस्ट्रैक्ट भी निकाला सब यूट्यूबर्स के लिए, कोई बात नहीं, बढ़िया यार, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा तुमने डिस्ट्रैक्ट निकाला। और एक चीज़ बताओ यार, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा IGL के नाम से व्यूज़ कमा रहे हैं, तो मेरे व्यूज़ कितने आते हैं, मतलब कितने सब्सक्राइबर है तुम्हारे और कितने व्यूज़ आ जाते हैं तुम्हारे, बताओ? थोड़ा देख के बात करो यार, बेकार में बात करके हंसी छुटा के कोई फ़ायदा नहीं, मतलब। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है? तुम्हारे टट्टों के कारण, तुम्हारे जो फैन फैन करके मतलब पानी पी के घूम रहे हैं ना, उनको उनके कारण ये तुम्हें सुनना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाता, ठीक है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं दूसरे के गाड़ में उंगली करना, उंगली उन लोगों ने की, अभी मैं हाथ घुसाने वाला हूँ, ठीक है? अगर अगली बार महाबहन के ऊपर गाली आया ना, सीधा बता रहा हूँ, ये जो यूट्यूब को छोड़ दो, यूट्यूब को एकदम बाहर हटा दो, रियलिटी होगा, बता रहा हूँ, सीधा रियलिटी होगा, कुछ नहीं, सीधा रियलिटी होगा। अभी इतने सारे लोग ने आवाज़ उठाया ना, बस मैं बाकी रह गया था और तुमने वो भी छेड़ दिया। मैं तो सोचा था मैं बात ही नहीं करूँगा इस चीज़ में, पढ़ूंगा ही नहीं, बस MJ स्नाइपर के वीडियो में जाके मैंने कमेंट किया था, गलती मेरी हुई थी ना, तो इसका गलती का मैं मान लेता हूँ, वो गलती मेरी थी। मैं गया जाके वीडियो देखा, वो गलती मेरी थी। लेकिन अगर बंदे ने सच्चाई बोला होगा मैं तो उसके साथ हूँ, अगर सच्चा हुआ, अगर सच हुआ तो मैं उसके साथ हूँ, अगर गलत हुआ तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, ठीक है? जो सच्चाई के साथ रह रहा है, मैं सच्चे जो लोग हैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। और जो बता रहा हूँ, IGL के जो फैन फैन करके घूम रहे हो ना, अगर फैन अगर हो ना उनके, तो एक बात बता दूँ, फैन की तरह रहो, दूसरों के कमेंट में, दूसरों को वीडियो में जाके गाली मत दो, IGL जो कर रहा है उसको करने दो, IGL के नाम से तुम लोग मतलब उछलो मत, ठीक है? क्योंकि IGL का यहाँ पे IGL का फाइट चल रहा है, तुम लोगों से फाइट नहीं चल रहा, तो IGL का नाम लेके मतलब उछलो मत ज़्यादा। IGL तो
कैसे भी करके निकल जाएगा, लेकिन तुम लोग निकल नहीं पाओगे, जो आईजीएल को साथ दे रहे हो ना, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम लोग के बीच में नहीं पढ़ूंगा, मैं कभी आऊँगा ही नहीं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि मुझे इस चीज़ों में काम नहीं यार। और ये जो सब लोग तुम्हारे खिलाफ़ बोल रहे हैं ना, आईजीएल तुम्हारे खिलाफ़ जो बोल रहे हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, शायद तुमने गलत किया होगा इसलिए तो बोल रहे हैं ना। नहीं तो एक बंदा बोलता, चलो मान लिया, एक ने बोल दिया, फिर दूसरे ने उसके ऊपर बनाया, फिर तीसरे ने, चौथा ने, ऑलमोस्ट सारे बंदे तुम्हें तुम्हें मतलब गलत बोले, मतलब सब लोग मतलब गलत है यार, तुम ही सही हो। क्या बोले अभी, तुम ही सही हो। अभी तुम उस दिन डिस्ट्रैक्ट निकाले कि सब गीदड़ एक हो गए और मतलब सच्चाई को दबा रहे हैं, तो बताओ सच्चाई, एक आदमी सच्चा है और सब बाकी झूठे हैं, मान लिए सब झूठे हैं भाई, सब झूठे हैं, जितने भी मतलब बोल रहे थे ना सब झूठे मान लिया मैंने, लेकिन तुम्हारा एक तो सच्चाई बताओ जो मतलब लोगों को समझ में आए। तुमने उस चैनल को बोला कि हैक हो गया, मान लिया, चलो हमने मान लिया कि वो भी हैक हो गया, छोड़ो हैक हो गया, हैक नहीं मतलब तुमने उसका पासवर्ड आईडी सबको बांट दिया ना, छोड़ो वो भी हो गया। फिर तुमने नया चैनल खोला, उसमें भी सही चला। अब बताओ मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर स्ट्राइक पड़ा, ठीक है, कोई रीज़न नहीं स्ट्राइक पड़ने का, मैंने इलाइट पास का रिव्यू किया था उसके ऊपर भी स्ट्राइक पड़ गया। मैं बोला वाह क्या बात है, ना गरीना का कोई ऑप्शन ना जीएम रेमी का, सो बोला सही है, चलो स्ट्राइक पड़ा तो स्ट्राइक पड़ा, हट जाएगा। मैंने जीएम रेमी को भी बहुत मेल किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो वो बात छोड़ो। मैं तुमसे कोई लफड़ा नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ही लफड़े, मतलब तुमने ही मतलब खुद उंगली कर रहे हो कि ना ये बंदा भी मेरे ऊपर बोले। बता दूँ व्यूज़ तुम हमारे नाम से कमा रहे हो, हम तुम्हारे नाम से नहीं कमा रहे, इतने सारे यूट्यूबर जो बोल रहे हैं ना तुम्हें जाके चेक कर रहे हैं, हमें चेक नहीं कर रहे हैं, तुम्हें जाके देख रहे हैं कि ना बंदा बंदा के ऊपर तो ऐसा है वैसा है, वो जाके तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें व्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा मतलब व्यूज़ भी कितना आ जाता है भाई, कितना आ जाता है तुम्हारा, इसे बात करो तो तुम तो प्यूडीपाई के भी बाप निकले ऐसे लग रहा है, यूट्यूब करके मतलब यूट्यूब के भी प्यूडीपाई के भी बाप लग रहे हो ऐसे लग रहा है मुझे। ये सब क्यों सुनना पड़ा पता है, तुम्हारे सब्सक्राइबर के कारण, तुम्हारे जो फैन फैन घूम रहे हैं ना उनके कारण। अगर वो लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं करते तो मैं आज हाथ नहीं घुसाता, और मुझे किसी के गाड़ में उंगली करने की मतलब आदत नहीं है, वो आदत दूसरों का हो सकता है लेकिन मुझे आदत नहीं है। और ये सब तुम्हें जो लगे जैसा लगे तुम्हें करते जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली बार मेरा नाम आया तो समझो इस बार तो मैं कुछ बोला नहीं, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर अगली बार मेरा नाम आया, ये आया वो आया, तो बाकी यूट्यूब को तो भाड़ में जाने दो, रियलिटी होगा, रियलिटी समझते हो ना, फेस टू फेस होगा, तो यूट्यूब को भाड़ में जाने दो, रियलिटी करेंगे, और रियलिटी में क्या मज़ा आएगा वो हम बताएंगे। तो इस चीज़ को छोड़ दो, और जॉब सब करते हैं, सब पता नहीं, मैं भी जॉब करता हूँ, जॉब से आके यूट्यूब देखता हूँ, मेरा यूट्यूब में बहुत काम होता है, एंड मैंने यूट्यूब में बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी अगर कुछ होगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ो यूट्यूब तो भाड़ में जाने दे, बट मेरे अगर माँ बाप के बीच में कोई बात आया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। माँ बहन की अगर बात आई ना तो भाई समझो रियलिटी होगा, और वो रियलिटी क्या होगा ना तुम सपने में ही नहीं सोच सकते। तो अभी से कल्टी मार लो अपने अपने, और मैं अपना अपना कल्टी, और जो भी बंदे सपोर्ट कर रहे हो करते जाओ, एंड बाद में अपना अपना देख लेना, ठीक है। आई सी द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय।